करते हैं पिस्टन की आवाज चेक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मसला ये हो चुका है, अचानक से बैक कंप्रेशन मारने लग गया इंजन, मतलब ये है कि ब्लो मारने लग गया। तो जब इंजन ब्लो मारने लग गया, बैक कंप्रेशन मारने लग गया, उस टाइम पे गाड़ी का जोर भी कम हो गया था, इंजन का जोर भी कम हो गया था। और दूसरा जो है, बैक कंप्रेशन की तरफ से, जो बैक कंप्रेशन का पाइप होता है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग गया। और तीसरा जो है, इंजन की आवाज़ भी कुछ चेंज हो गई थी ड्राइवर के बाकौल। तो जिस तरीके से मैं चेक करूंगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये इसका इंजन है, 6 सिलेंडर 24 वाल्व JO8C। वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं चेक। देखें आप कितना ज़्यादा बैक कंप्रेशन है, धुआं भी है और प्रेशर भी है इसमें। करते हैं पिस्टन की आवाज़ चेक, कहीं किसी पिस्टन से आवाज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। साउंड टेस्टर से चेक हमने कर लिया है, फ़िलहाल के लिए किसी पिस्टन से टक टक की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अभी हम इंजेक्टर के पाइप ढीले कर रहे हैं, इंजेक्टर का पाइप ढीले करने से ये आपको पता चलना है कि किसी पिस्टन एक में जो भी मसला होगा आपको पता चल जाएगा। और किस तरीके से पता चलेगा, जैसे ही हम इंजेक्टर का पाइप खोल देंगे तो अगर वो पिस्टन ठीक हुआ तो उसमें जो है मिसिंग बढ़ जानी है, वाइब्रेशन बढ़ जानी है। अगर उस पिस्टन में मसला हुआ, किसी भी एक पिस्टन में मसला हुआ, जैसे ही आप पाइप इंजेक्टर का खोल देंगे तो उसमें इंजन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, ना ही वाइब्रेशन बढ़ेगी ना ही इंजन में मिसिंग बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया, फ़िलहाल 3 नंबर पिस्टन की तरफ से मसला लग रहा है। उसकी वजह यह है, हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप जो इंजेक्टर के पैप हैं ढीले किए हैं, तो बाकी जो 5 पिस्टन थे उनके जैसे ही हम पैप ढीले करते थे इंजन वाइब्रेशन करने लगता था और मिसिंग होने लगती थी। तो जब हम
इसका 3 नंबर ढीला करते थे इजेक्टर का पाइप, वहाँ से ना कोई मिसिंग थी ना ही वाइब्रेशन बढ़ती थी। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल 3 नंबर पिस्टन काम सही प्रॉपर नहीं कर रहा। आगे प्रॉपर चेक करने लगे हैं टैपर्ड कवर खोल के। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि कभी भी आपके साथ इस तरह से मसला हो जाए आप अच्छे तरीके से परफेक्ट चेक कर सकें। मुझे नहीं लगता कभी आपने इस तरह से देखा हो जिस तरह से मैं आगे चेक करने वाला हूँ। अगर आपने खुद कभी इस तरीके से चेक किया हो या फिर देखा हो आपने कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक यहां पे आपने गौर करना है। दोबारा से करते हैं इंजन को स्टार्ट। हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, ये कंफर्म हो गया बैक कंप्रेशन जो है वो नीचे से चैम्बर की तरफ से आ रहा है। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि इंजेक्टर भी लीक हो जाए ना तब भी इसी तरीके से बैक कंप्रेशन और धुआं आता है। तो 3 नंबर हमने इसका इंजेक्टर खोल दिया है एटोमाइज़र, इसको निकालते हैं, इससे कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर में मसला था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कचरा है इसमें हल्का हल्का ना। अभी हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं, देखते हैं बैक कंप्रेशन और धुआं नीचे की तरफ से कम होता है। जैसे कि आपने देखा बैक कंप्रेशन बहुत ही कम हो गया। तो वीडियो को अभी तक भी आपने छोड़ना नहीं है, और भी तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, और भी 100% चेक करने के लिए आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। नीचे से हमने चैम्बर को खोल दिया है, अभी हमने ऊपर की साइड से इसको डीजल डालना है, तेल डालना है, देखना है कि नीचे फौरन ही निकलता है या फिर रुक के निकलता है। हाँ, 1 नंबर, 2 और वो 3, ये चला गया नीचे। और यहाँ से पिस्टन की तरफ से नीचे से हमने देखना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ऊपर वाली साइड से डीजल डाला है नीचे ये चला गया नीचे, ही निकले जा रहा है, नीचे से निकल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही देर से ऐसा ऐसा से निकलना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, अभी ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, कुछ लोगों को शायद अभी भी समझ ना लगी हो, तो फिर उसके बाद 3 नंबर पिस्टन का मसला नजर आया, फिर आगे हमने चेक करना था वाकई ही 3 नंबर का मसला भी है या फिर उसमें इंजेक्टर खराब हो चुका है। बाज दफा ऐसा होता है कि अगर इंजेक्टर खराब हो जाए तो भी ऐसा ही होता है, जब आप पाइप को ढीला करेंगे तो इंजन में वाइब्रेशन भी नहीं होगी और इंजन में मिसिंग भी नहीं बढ़ेगी। कि पिस्टन का क्या मसला हो गया यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसकी वीडियो मैंने कुछ अरसा पहले मैंने बनाई थी, वो चैनल पे आप जाके देख लें, इस साइड पे आपको थंबनेल उसका नजर भी आ रहा होगा, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि इस इंजन का ही सेम वही फॉल्ट हुआ है। अगर इंजन में आवाज होती तो यहाँ से पिस्टन गर्म होके सीज हो जाता है। जब इंजन गर्म होता है, इंजन ये गर्म नहीं हुआ था। दूसरा, रिंग टूटने के चांस होते हैं, ये वाले अगर रिंग टूट जाए तो उसकी वजह से भी इंजन में आवाज आ जाती है। इस इंजन में आवाज नहीं थी। इस इंजन का फिर क्या मसला हो गया, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका जो है यहाँ से पिस्टन क्रैक हो गया, यहाँ से कहीं से क्रैक हो गया। अब क्रैक होने की वजह क्या है, वजह अलग अलग सी हो जाती है, मैंने एक वीडियो बनाई है वो उसका लिंक जरूर दे दूंगा। एक तो क्रैक हो सकता है, एक यहाँ से सुराख हो सकता है, शायद वाली बात है किसी वाल की सीट टूट जाए या फिर नीचे से वाल टूट जाए, वाल टूट के नीचे लग जाए,
लगने के बाद यहाँ पे सुराख हो जाए कि हमने तेल भी डाला था। जैसे ही हमने तेल डाला है यहाँ पे इंजेक्टर होता है, इसके जो चैम्बर है यहाँ पे इंजेक्टर होता है, यहीं पे जैसे ही तेल गिरा है नीचे से होकर इस तरफ आ चुका था, मैंने आपको दिखा दिया था। तो फिर वहां से भी कन्फर्म हो गया 100% कि मसला यही है कि पिस्टन इसका खराब हो चुका था। आगे कुछ भी आपको पता ना चला हो तो मुझे आप बताएंगे, इंशाल्लाह उसके लिए मैं वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके।